पता नहीं कबीर मियां ने फोन करके कल दोपहर खाने की दावत दी है और कह रहे हैं कि शरिया बोर्ड के सारे मेंबर्स को दावत पर बुलाया है। कोई खास बात काजी साहब? अब इतनी शॉर्ट नोटिस पर किस लिए दावत पर बुलाया है ये तो बेगम हम भी नहीं जानते। जारा की वजह से। कबीर मियां? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलामुअलैकुम काजी साहब। जी कल शाम हम 3 दिनों के लिए गोरखपुर जा रहे हैं। हमारा सर्वधर्म मिलन समारोह से बुलाया हुआ है, मगर मसला यह है कि जारा अपनी जिद लेकर बैठी है कि जब तक हम उसे कमा कर नहीं देंगे वो खाना नहीं खाएगी। परेशानी यह है कि अगर हम यहाँ होते उसे कुछ भी करके खाना खाने पर मजबूर करते, इंतजाम कर देते उसके लिए कुछ, मगर मजबूरन हमें जाना पड़ेगा। जाना तो आपको पड़ेगा ही कबीर मियाँ, क्योंकि कौम की नुमाइंदगी जो आप कर रहे हैं। शुक्रिया काजी साहब, मगर हमने सोचा कि उसके बाद हम इमरान और रीमा से कह देंगे एक बार कि जारा के खाने का इंतजाम कर दो, मगर जारा कहीं भी खाना खाने नहीं जाएगी, ये आप भी जानते हैं, सिवाय एक जगह के जहां पर जारा मजबूरन रहेगी भी और खाना भी खाएगी। ऐसी कौन सी जगह? ये घर, उसका घर। पर कबीर मियां, आप तो जानते हैं कि जारा यहाँ नहीं आएगी। हाँ हम जानते हैं, इसलिए असल में हम आप दोनों की मदद चाहते थे, खास करके अम्मी जान आपकी। जारा की भलाई के लिए तुम जो भी कहोगे ना हम वो सब करेंगे। आपको ड्रामा करना होगा। हाँ? जी आपकी तबीयत खराब होने का ड्रामा। जैसी जारा को इस बात की खबर होगी तो वो क्या करेगी, मजबूरन आपके साथ आपकी देखभाल करने इस घर में रहेगी, और अगर इस घर में रहेगी तो उसे खाना भी खाना पड़े। तो हमारा मानना है कि एक बीमार माँ अपनी बेटी को अपने जान का वास्ता देकर कुछ जज्बाती ब्लैकमेल करके खाना खाने पर मजबूर कर दे। मगर हाँ हमें उम्मीद है कि जब इंशाल्लाह हम ये सर्वधर्म मिलन समारोह से वापस लौटेंगे जारा को हम पर फख्र होगा। आमीन। और ये जो जिद लेकर बैठी है ना जारा वो छोड़ देगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जारा कल से भूखी रहेगी मगर उससे क्या होगा, वो तो बहुत हिम्मती है। अरे 30 रोजे तो वो यूं रख लेती है। कुछ करना पड़ेगा जीनत, सोच सोच कुछ अलग सोच, कुछ ऐसा सोच कि कबीर के जाते ही वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाए। कबीर जब आसपास रहते हैं तो दिल को एक सुकून सा रहता है, लेकिन कल शाम के बाद हम क्या करेंगे? वो तो कौम के नुमाइंदे बनकर गोरखपुर जा रहे हैं, हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। हम भूखे तो रह लेंगे लेकिन कबीर के बिना। हमें कुछ पता चला जरा आउट हाउस से कब निकली थी? बेटा सैरो कह रही थी कि जारा बहुत देर पहले शरिया बोर्ड के लिए निकल चुकी है। ठीक है अम्मी, शुक्रिया। अम्मी कह रही है कि जारा आउट हाउस से बहुत पहले निकल चुकी है, तो फिर अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? बेटा कबीर अब तो हमें भी परेशानी हो रही है कि आखिर जारा गई कहाँ है, और ऊपर से 5 बजे तुम्हारी ट्रेन भी है। नर्स देखिए ना, क्या हुआ है? इनका एक्सीडेंट हो गया था, ध्यान से आराम से। कबीर को फोन तो टूट गया है, हम कबीर को अभी नहीं बताएंगे, अगर अभी बताएंगे तो सम्मेलन छोड़कर तुरंत यहाँ जाएंगे। कबीर की एक बार ट्रेन चल जाए फिर उन्हें बताते हैं। आ,
सी है। अब ठीक है ना? कैसे महसूस हो रहा है अब आपको? हम पहले से बेहतर हैं। अगर तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना क्यों खांस रही हो ज़ारा? वो ज़ीनबा भी ऐसे ही, हम अभी डॉक्टर को बता के आते हैं, ठीक है? हाँ। साढ़े पांच बज गए, कबीर भी गया, अब तुम भी जाओगी ज़ारा। अरे ज़ीनत भाभी, आप उठ क्यों गई? इधर आओ ज़ारा, बैठो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो तो इत्तेफाक से तुम वहाँ थी तो तुमने हमें देख लिया और यहाँ लेकर आ गई, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। अब तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें? जानते हैं कि तुम कुछ खाओगी नहीं, मगर पानी तो पी सकती हो। नहीं ज़ीनत भाभी, हम ठीक है, बस हल्की सी खांसी है। ज़ारा थोड़ा सा पानी पी लो। नहीं ज़ीनत भाभी, हम ठीक, हमारे हाथ से नहीं पियोगी। ऐसी बात नहीं है, पी लो। ना रख देते हैं। शुक्रिया भाभी। अब क्या हम एक फोन कर सकते हैं? किसे फोन लगा रही हो ज़ारा? ज़ीनत भाभी, वो कबीर को फोन करना है। मगर वो तो ट्रेन में होगा ना? हाँ, लेकिन उन्होंने हमें शरिया बोर्ड की दावत में बुलाया था, और हम आपके पास थे तो फिर कैसे जा सकते थे आपको छोड़ कर? इसी बात के लिए उन्हें माजरत कर दें। मैं समझ में नहीं आ रहा कि ज़ारा गई तो कहाँ गई? जहाँ जहाँ वो हो सकती थी हमने तो ढूंढ लिया, लेकिन वहाँ भी नहीं है वो। अल्लाह रहम करे हमारी ज़ारा पर। सुबह से ज़ारा ने कुछ खाया भी नहीं है। काजी साहब, जरा फोन बज रहा है, आप स्पीकर पे डालेंगे? हेलो कबीर। ज़ारा, ज़ारा, वो हमें माफ करना, हम आ नहीं पाए। असल में ज़ीनत भाभी का एक्सीडेंट हो गया था, हम उन्हीं के साथ थे। लेकिन ज़ारा, तुम ये बात हमें पहले भी बता सकती थी ना? जानते कि हम और तुम्हारे अब्बा कितने परेशान हैं? कितनी बार तुम्हें फोन किया, फोन क्यों बंद आ रहा है? नहीं, हमने फोन नहीं बंद किया कबीर, वो असल में हमारा फोन टूट गया है, और जब हमें टाइम मिला तो हमें लगा अगर हम तुम्हें बताएंगे तो तुम सम्मेलन छोड़ दोगे। अच्छा सुनो, तुम अभी कहाँ हो? हम अभी आ रहे। तुम गए नहीं? नहीं गए। दो दो नोटिसेज आए हमें, इस घर को गिरवी रख के लोन लेकर सारे कर्जे चुका देते, एक ही रास्ता बचा है। खुद के पैसे होना, अपनी खुद की स्टैंडिंग होना, ये बहुत जरूरी है। हमने इस पेपर पे साइन कर दिया, एक साइन आपके और एक साइन कबीर की लगी हुई। कबीर को क्या बताएंगे कि घर गिरवी क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वक्त कब बदल जाए ये किसी ने नहीं देखा।